रिपेयरिंग हो रहा है, जैसे जैसे तोड़ तोड़ के जितना भी है मतलब दरका हुआ है सभी को तोड़ के रिपेयरिंग करेंगे। और जैसा कि देख सकते हैं, हेलो दोस्तों, पीके क्रिएटिव ब्लॉक्स में स्वागत है। जैसा कि हॉस्टल नंबर एक में आपको हम लेके चलते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे पूरा जो हॉस्टल में जो है रिपेयरिंग चालू हो चुका है। कौन कौन सा रूम में क्या रिपेयरिंग हो रहा है आपको अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और यहाँ से देखिए ये पूरा जो सीमेंट बालू का काम हो रहा है, अंदर मिस्त्री भी आए हैं। तो हम आपको अंदर हॉस्टल नंबर एक में जैसे एंट्री करते हैं गेट पे, और आपको हम अंदर तक दिखाते हैं। तो आप बने रहे और देखिए, जैसा कि देखिए जीना लगा हुआ है, और अंदर लेके चलते हैं आपको रूम में, दिखाते हैं। पहला रविंदर भैया, ये हमारे PhD स्कॉलर है रविंदर भैया, हमारे सीनियर है। पहला इन्हीं के रूम से शुरुआत हुआ है, तो इन्हीं के रूम को लेके चलते हैं, आपको इनके रूम में दिखाते हैं कैसा क्या चल रहा है। तो जैसा कि इस रूम को देखिए, जैसे खोलते हैं आपको जैसे दिखेगा यहाँ पे पूरा रिपेयरिंग चल रहा है, देख सकते हैं इस रूम में। ये देखिए ये पूरा रिपेयरिंग चल रहा है। तो आप सब कर रहे हैं, आपका नाम क्या है सर? लखन यादव। आपका सर? तो कहाँ से मतलब किस कौन करवा रहे हैं ये रिपेयरिंग? ठीक है। नए VC जैसे ही आए हैं, सभी रूम में रिपेयरिंग चालू है। एक रूम में आपको ये दिखाए और दूसरा रूम चलते हैं, आपको दूसरा रूम दिखाएंगे। जस्ट इसके साइड में दूसरा रूम है, आप इस रूम में भी देखिए। ये देखिए इस रूम में भी रिपेयरिंग की जरूरत है, और आपको दिखाते हैं। बहुत समस्याएं हैं हॉस्टल में है, जैसा कि इस साइड देखिए पूरा सब टूटा हुआ है, और इस साइड में पूरा जैसे वो सब आपको टूटा, आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। जो मेन रिपेयरिंग होगा इस साइड में, देख सकते हैं पूरा ये पूरा टूटा हुआ इस साइड में मीडिया वाले। और चलते हैं, आपको तो हो चुका है, आपको प्लस्तर यहाँ पे दिखाते हैं। जस्ट देखिए ये यहाँ पे प्लस्तर हो चुका है, और बाथरूम करने के बाद देख सकते हैं छज्जा इधर से टूट चुका है, ये छज्जा पूरी तरह से टूट चुका है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे भी देखिए ये पूरी तरह से टूट चुका है। तो बहुत समस्याएं हैं हॉस्टल में, और इसी के रिगार्डिंग में रिपेयरिंग पूरा होगा। ये टूट गया है, ये टूट चुका है। और बाथरूम में भी सब नहा रहे हैं, आपको बाथरूम में भी दिखाएंगे कि टूटा हुआ। और जैसा कि देख सकते हैं ये बालकोनी जो है, बालकोनी सेपरेट है, सेपरेट बालकोनी है सबका दिया हुआ, दो रूम पे एक बालकोनी है। और ये भी बालकोनी टूट चुका है, इधर भी टूट चुका है, तो अंदर रिपेयरिंग चल रहा है। आपको पीछे भी बहुत ज़्यादा अंदर पीछे टूट चुका है, उसको भी दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बाथरूम जब में लोग गए थे कोई, तो बाथरूम से ऊपर से मतलब गिर गया था, वो भी पूरी तरह से टूट चुका है बाथरूम में। तो आपको बाथरूम में भी विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि अब हॉस्टल में पूरी तरह से जो रिपेयरिंग चालू हो गया है, और होना भी चाहिए, जैसे कि देखिए पूरा टूट गया है, तो ये सबका रिपेयरिंग होना चाहिए। और हॉस्टल में रिपेयरिंग अब चालू है, अब एक नंबर हॉस्टल धीरे चमक जाएगा पूरा। The next day. हेलो दोस्तों, पीके क्रिएटिव ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कैंपस में देख सकते हैं हॉस्टल नंबर एक में, यहाँ पे सभी टूट के जो है रिपेयरिंग हो रहा है नए DSW आने से। ये हॉस्टल को एक फायदा है कि जैसा देख सकते हैं पूरा आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, ये सब टूट रहा है, जितना आपको सभी लोग टूट रहा है। और देख सकते हैं हमारे बीच एक सर आए हैं, आपका नाम क्या है सर? मेरा आलम नाम। आप ही काम करवा रहे हैं? नहीं, मुंशी नहीं है, मुंशी उसको तबीयत खराब हो गया ना। तो इसी के लेकर के मतलब उन्हीं के जगह पे हमको मतलब भेजा गया है। तो देखिए आएगा, हाँ पूरी तरह से ये रिपेयरिंग हो रहा है, जैसे जैसे तोड़ तोड़ के जितना भी है मतलब दरका हुआ है सभी को तोड़ के रिपेयरिंग करेंगे। और जैसा कि देख सकते हैं वो सभी टूटा हुआ है, और आपको लेकर रिपेयरिंग हो चुका है कुछ जगह, जैसा कि देख सकते हैं इस रूम में आपको अंधार लग रहा होगा, बट इस रूम में रिपेयरिंग हो चुका है। और आपको बाहर लेके चलते हैं, जस्ट सभी रूम में रिपेयरिंग हो, आपको बाहर ले आए हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी ये सब धीरे धीरे हैं, सभी चीज का इस साइड में ऊपर रिपेयरिंग, ये सब जो है ये इसमें से पानी टप टप गिरता था ऊपर जब जमा हो जाता है पानी, और ये सब देख सकते पूरी तरह से रिपेयरिंग हो रहा है। लगभग समथिंग कितने का फंड आया मुझे तो नहीं पता, बट जो रिपेयरिंग का काम इधर एक साइड में ये सभी काम चल रहा है। तो ये सब काम कैसे हो रहा है आज लेकर दिखाते हैं। जो पूरा दीवार है, पूरा दीवार गिर चुका है देखिए, और जहां रिपेयरिंग नहीं होगा तो समझ सकते हैं, बट यहां पे भी रिपेयरिंग कल मार के गए प्लास्टर, और रिपेयरिंग पूरी तरह से हो रहा है, पूरा दीवार गिर चुका है। तो काम कैसा कर रहे हैं, सही ठीक ठाक से हो रहा है? हाँ। आपका नाम क्या है? साबिर। तो ढंग से कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? पूरा टेंस होना चाहिए, तो देख लीजिए आप आ रहे हैं इसमें, हम रोज दिखाएंगे लोगों को जहाँ काम में। देखिए काम में तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर देख सकते पूरा मसाला तैयार हो चुका है, रूम बाई रूम सभी रूम को
किया जा रहा है, जैसे कि वहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो ये गिर जाएगा धीरे धीरे सभी चीज़ को आने जाने का फ्लो हो जाएगा। तो सभी चीज़ में रिपेयरिंग पूरी तरह से ढंग से हो रहा है, भैया से बात आपका हो ही चुका। नए DSW बजेस राय से बन चुके हैं, उनके जैसे ही DSW बने हैं और हॉस्टल नंबर एक में बहुत समस्याएं हैं, बाथरूम तक टूटा फूटा है, सभी को रिपेयरिंग किया जा रहा है और अच्छे ढंग से स्टूडेंट भी मिलके उसमें सहयोग करके रिपेयरिंग को करवाने में बहुत योगदान है, क्योंकि जहाँ जहाँ टूटा है बहुत कि मार आते हैं, थोड़ा मारते हैं, वहाँ से गिरता थोड़ा सा निकाल के, बाकी नहीं स्टूडेंट वहाँ पर एकजुट होते हैं, कहते हैं कि नहीं इस पर आओ थोड़ा सा मारो और उसको थोड़ा सा और उसको निकाल के करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप बाकी एक बार कभी आके आप देखिए सर, चेकअप कीजिए DSW सर, आप एक बार आके हॉस्टल में चेकअप कीजिए कहाँ पर कैसा हो रहा है प्लीज़। ओके तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेगा नए ब्लॉग में, आप बने रहिए, बाय।